हेलो फ्रेंड्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो है मैंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति और ये क्षेत्रमिति जो है क्षेत्रमिति ये देखा जाए तो एक पार्ट भी बोला जा सकता है ज्योमेट्री का क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन होते हैं और इस तरह के फिगर आप टू डी में देखे थे जहाँ पर ये आपका क्या है एक रेक्टेंगल यहाँ एक ट्रेंगल है ये सर्कल ये आपका सेमी सर्कल तो इस तरह के फिगर हम लोग कहां देखे थे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति के अंदर यहां पर हम लोग यानी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे जहां क्षेत्रमिति की अगर बात किया जाए तो वो दो तरह का होता है एक होता है टू और एक होता है आपका थ्री 2D में क्या होता है दो डायमेंशन यानी दो आयाम ही होते हैं यानी जैसे अगर एक्सिस की बात किया जाए तो अगर एक एक्स एक्सिस है तो एक वाई एक्सिस होगा यानी कि अगर देखा जाए तो एक लंबाई है तो दूसरा चौड़ाई होगा जैसे ये बोर्ड की अगर मैं बात करूं सिर्फ ये बोर्ड का तो ये बोर्ड को आपको दिखेगा कि यहां से क्या है लंबाई है और ये चौड़ाई है बस इतना ही होता है इसका मोटाई थिकनेस या ऊंचाई नहीं होता है तो इस तरह के फिगर को ही 2D बोला जाता है लेकिन ध्यान रहे कभी भी इस तरह के फिगर क्लोज होना चाहिए यानी पूरी तरह से बंद बंद होना चाहिए अगर खुला अगर ऐसा आप यूज करते हो तो इसका एरिया या कुछ भी नहीं निकाला जा सकता तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अब यहां पर आता है सवाल यह उठता है कि टू के अंदर क्या क्या निकाला जाएगा तो एक होता है आपका पेरीमीटर दूसरा होता है सरकम पेरीमीटर का हिंदी की अगर मैं बात करूं तो होगा परिमाप और सरकम की बात करूं तो यह होता है परिधि अब ये अंतर क्या है फिर पेरीमीटर और सरकम में देखो दोनों के दोनों होते क्या है लेंथ ऑफ बाउंड्री कोई भी टू डी फिगर है तो उसकी बाउंड्री बाउंड्री का जो लेंथ होगा जैसे ये भी है जैसे कि ये भी है तो इसकी बाउंड्री बाउंड्री का अगर लेंथ की बात करेंगे तो यही इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है तो क्या हम सर्कल का पेरीमीटर बोल सकते हैं नहीं बस यहां पर जो इंडिविजुअल एक वर्ड बना है सरकमफ्रेंस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां भी कर्व पार्ट से अगर कोई फिगर बना है जैसे कि ये सर्कल जैसे कि ये आपका सेमी सर्कल तो उसमें सरकम निकलेगा और जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना है जैसे कि ये रेक्टेंगल जैसे कि ये ट्रैंगल तो वहां पर निकलता है आपका परिमाप यानी कि पेरीमीटर सरकम कब निकलेगा जब उसमें थोड़ा सा भी पार्ट अगर कर्व आ गया है तो वहां सरकमफ्रेंस ही निकलता है एरिया क्या होता है एरिया यानी कि हिंदी में बात करूं तो यह होता है क्षेत्रफल यानी पूरा टू डी फिगर को अगर मैं कवर करूंगा तो कितना यह पार्ट होगा यही चीज हो जाता है आपका क्या एरिया मतलब इसको पूरी तरह से ढक देने वाला यह जो पार्ट है वही आपका क्या हो जाता है क्षेत्रफल हो जाता है ठीक है तो यह हमारा था टू डी का जबकि बात अगर थ्री डी की करेंगे तो थ्री में थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि यहां पर एक काम आता है सरफेस एरिया जिसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है अब देखो होता क्या है अगर थ्री की बात करूं मैं तो थ्री के अंदर लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो जाएगा तीन डायमेंशन होगा जैसे कि यही ये आप पेन को भी देख सकते हो कि यहां पर देखो ये दो डायमेंशन तो ये हो गया एक ये हाइट भी हो गया तो ऐसा चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं चारों तरफ से इसका देखो फ्रंट बैक साइड टॉप साइड बॉटम साइड तो इस तरह से जो भी फिगर होते हैं वहां पर हम लोग एरिया ना निकाल के निकालते हैं सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है अब बात यह आती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो चीजें आ गई है एक आया है लेटरल सरफेस एरिया जिसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श पृष्ठीय एरिया की मैं बात करूं तो ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब ये कहां होता है देखो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकाला जाता है उस थ्री डी फिगर का जो कि एक प्लेन से बना हुआ है प्लेन एकदम देखो ये दिख रहा है आपका एक प्लेन यहां पर ये एक दिख रहा है प्लेन तो ये मतलब पूरा सीधा सीधा ये प्लेन है एक समतल है तो इसी समतल से एक समतल दो समतल चारों तरफ समतल ही है चारों तरफ प्लेन ही है तो उससे जब बना हुआ रहता है तो ऐसे पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया यहां पर निकाला जाएगा यहां पर भी लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाएगा लेकिन जिस भी फिगर के अंदर अगर कर्व यूज हो गया है जैसे ये सिलेंडर है देखो सिलेंडर ये जैसे ये पेन है ये भी तो सिलेंड्रिकल होता है ये आपका जैसे कि टेनिस बॉल हो गया उसी तरह से है ये स्पेयर ये जैसे कि आपका क्या हो गया एक बाउल की तरह मतलब एक कटोरे की तरह हो गया ये आपका जैसे बर्डे के अंदर जो कैप आती है वो उस तरह का ये एक कोन हो गया तो ये सब में क्या होता है कर्व होता है यानी उस इस तरह के फिगर का हम क्या निकालते हैं सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब यह होता क्या है बात हम लेटरल सरफेस एरिया करेंगे तो आप जिस भी रूम में है उस रूम के चारों वॉलो वॉल जो है उनका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हर सरफेस का एक ही सरफेस एक सरफेस सामने का और बैक साइड का चारों वॉलों का जो सरफेस एरिया होगा वही लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है यानी कि सिर्फ आप साइड साइड से ही देखते हो इसमें ना ही टॉप इंक्लूड होता है ना ही बॉटम इंक्लूड होता है जैसे ये भी एक सिलेंड्रिकल टाइप है तो इसमें आप देखोगे तो सिर्फ साइड साइड से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या कर्व सरफेस एरिया क्योंकि ये कर्व है और टॉप और बॉटम इन्वॉल्व नहीं होगा टॉप और बॉटम कब होता है आपका टोटल सरफेस एरिया यानी ये हो जाता है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बात करेंगे तो यहां पर जो फोर वॉल्स हैं उनका एरिया साथ साथ टॉप का और बॉटम का भी एरिया निकाला जाता है तो टोटल आप जैसे यहां पर बात करेंगे तो टोटल देखो वन टू थ्री बैक साइड में भी तीन होंगे टोटल छह सरफेस एरिया हो जाएंगे टोटल में जबकि लेटरल में ये सिर्फ चार ही होते साइड साइड वाला तो यहां और यहां ये यह दोनों ये कौन सा पार्ट आपका हो जाएगा ये है आपका एक क्यूबॉइड और एक क्यूब और बाकी जो है वो वहां पे निकलेगा क्या कर्व सरफेस एरिया चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं अब देखो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे 2D यानी दो डायमेंशनल फिगर का तो यहां देखो अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होता है जहां पर तीन साइड होती हैं, ये आपकी तीन साइड दिख रही हैं, ये बी आपका बेस हो जाएगा जबकि सामने वाले वर्टेक्स से अगर हम बेस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह आपका रहेगा 90 डिग्री और ये हाइट हो जाएगा यहां से यहां तक का और ये आपका दो और साइड हो गए तो टोटल तीन साइड हो जाते हैं बात हम क्वाड्रिलेटरल की करेंगे तो यहां पर टोटल चार साइड होते हैं ये ठीक है और सर्कल तो आपका क्या हो जाता है पूरा एक ऐसे सर्कुलर पार्ट यह आ जाएगा जबकि सेमी सर्कल जो है वो कर्व प्लस स्ट्रेट लाइन से बना हुआ रहता है तो यहां सबसे पहले अगर मैं ट्रेंगल की बात करूंगा तो एक ट्रेंगल ऐसी होती है जो इक्विलेटरल यानी कि ये दिख रहा है ना ये एक इक्विलेटरल एक नहीं अभी तो बाद में आएगा एक ट्रेंगल की बात करते हैं जो नॉर्मली आपकी त्रिभुज हुई तो उसमें अगर पेरीमीटर की मैं बात करता हूं यानी परिमाप की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है सभी भुजाओं का योग मतलब ये पूरा भुजा को जोड़ देंगे वही हो जाएगा एरिया की अगर बात होती है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस आपका क्या था यही बी और हाइट ये था तो ये हो गया कितना वन बाई टू बेस इंटू हाइट वो हो जाता है आपका क्या ट्रेंगल का एरिया ठीक है अब आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर दिखेगा आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ठीक है तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है जहां ये तीनों साइड ए ए ए हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो हम पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो वो थ्री इन टू ए हो जाएगा जबकि इसका एरिया थोड़ा अलग हो जाता है रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक हाइट आएगी और हाइट हम निकालेंगे यहां से जैसे ये दिख रहा है ना तो ये टोटल ए होगा ये ए बाई टू होगा ये भी ये हो जाएगा ये एच निकालना है तो यहां से हम लोग निकालेंगे एच की वैल्यू जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर तो यहां से आ जाता है रूट थ्री बाई टू ए के बराबर तो यानी कि हमारी जो हाइट है वो रूट थ्री बाई टू ए हो जाएगा तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब वन बाई टू इंटू ए इंटू एच और एच को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर इंटू हो जाएगा आपका साइड पर एंड ट्रेंगल ले लिया हूं जहां पर तीनों साइड अलग अलग है तो ये आपका ऑल साइड हो जाएगा और यहां एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि रूट के अंदर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं रूट के अंदर जो नजर आ रही है वो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि रूट ये एस ये एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी एस क्या होता है ये सेमी पेरीमीटर होता है यानी अर्ध परिमाप होता है आधा परिमाप होता है ये सिर्फ तो आधा परिमाप है तो ऐसे केस में हमारा सिर्फ क्या होगा ए और फिर आपका एक साइड था बी और एक साइड था सी ये तो परिमाप हो गया डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे टू आधा एवरेज नहीं निकालना औसत नहीं निकालना है तो सिर्फ आधा और एरिया होता है किसी का भी एरिया होगा तो वो स्क्वायर में यूनिट आएगा यानी रूट के अंदर में चार ही अलग अलग यूनिट्स होंगे तभी इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और तब आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पावर दो आएगा आपके जो भी यूनिट होगा उसमें तो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर भूलने के चांसेस होते हैं तो सेमी पेरीमीटर में हर एक बार तो सेमी पेरीमीटर खुद होगा और हर बार एक एक साइड माइनस होगा देन हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इसी को बोला जाता है हीरोला हिंदी में हीरो का फॉर्मूला तो ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूला की खोज की थी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े और फिगर जहां पर बात में करूंगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के यानी कि चतुर्भुज का तो यहां अलग अलग, अलग आपको चतुर्भुज दिख रहे हैं सबसे पहले दिख रहा है समलंब यानी कि ट्रेपिजियम जहां पर दो साइड ए और बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एच यानी हाइट से रिप्रेजेंट होगा सेम फार्मूला समाफॉल साइड से अगर देखा जाए देखो ये ट्रेंगल से ट्रेंगल का ऐसे मुंडी ऐसे काट दिया गया है और जोड़ दिया गया है तो ट्रेंगल के फॉर्मूला से रिलेटेड इसका भी फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है यहां पर मैं बताऊंगा देखो हाफ इंटू बेस बेस यहां पर क्या है दो है ए और बी तो ए प्लस बी इंटू हाइट तो हाफ इंटू समल साइड इंटू हाइट यानी कि दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग इंटू हाइट का अगर आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देन हमारा होता है पैरलेलोग्राम जहां पर दो अपोजिट जो साइड्स होते हैं पैरेलल और इक्वल भी होते हैं तो यहां पर अगर मैं इसको लेंथ बोलूं ये ब्रेथ बोलूं तो दो बार लेंथ और प्लस दो बार आपका यहां पर हो जाएगा ब्रेथ ठीक है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगा कितना दो बार लंबाई है दो बार चौड़ाई ये पेरीमीटर हो जाएगा लेकिन अगर एरिया की बात करूं तो ये बेस तो रहेगा ही लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एच होना चाहिए तो इसलिए यहां यूज हुआ है लेंथ हाइट मतलब लंबाई गुड़े ऊंचाई यहां पर हो जाएगा एक होता है आपका सम चतुर्भुज यानी कि सभी भुजाएं जिसकी बराबर होती है साइड अगर ए हुआ है तो फोर इंटू ए हो जाएगा और यहां पर इसके दो डायगोनल होते हैं एक डी वन और एक डी टू दो डायगोनल हो गए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन ठीक है इससे पूछा गया है तो होता क्या है डी वन इंटू डी टू का आधा हाफ इंटू डी टू हो जाएगा आपका क्या एक रोमबस यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत का तो बहुत पहले से आपको पता है क्योंकि आयत एक तरह से पहले ही होता है तो यह हो जाएगा टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुड़े चौड़ाई जबकि डायमीटर ये डायगनल जो है इसका यानी ये विकर्ण जो है वो होता है लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर को अगर हम रूट के अंदर डाल देंगे तो ये हमारा डायगेल आ जाएगा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है आपका स्क्वायर जो कि एक तरह से रोमबस का ही पार्ट होता है तो रोमबस का जो फॉर्मूला वो यहां लगेगा साथ ही साथ एक फॉर्मूला और आ जाता है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो हो जाएगा साइड स्क्वायर और दोनों डायगोनल बराबर है तो हाफ इंटू डी स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका डायगोनल जो होता है वो साइड इंटू रूट टू हो जाता है क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है तो वहां से सॉल्व हो जाएगा पहले हम लोग ये फॉर्मूला ही देख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है और कुछ तरीके भी होते हैं ऐसे याद करने होने का शेर व शायरी के द्वारा भी इसको याद किया जाता है जा, चलिए देखते हैं यहां पर सर्कल यानी कि वृत्त का जिसमें सर्कम निकलेगा यानी परिधि निकलेगी यहां पर और बाद में यहां एरिया यानी क्षेत्रफल निकलेगा तो यहां से ये आपका रेडियस हो जाता है जबकि दो बार रेडियस की बात करेंगे तो डी डायमीटर हो जाता है अब यहां देखा जाए तो देखो एक फॉर्मूला आता है इसका क्या टू पाई आर टू पाईआर या फिर हम इसको टू आर डी के बराबर होता है तो पाई डी भी लिख सकते हैं ऐसे यहां पर पाई डी स्क्वायर बाई फोर तो ये पाई आर स्कवायर होता है ठीक है थीके? तो बोला भी जाता है ऐसे कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार सर्कल का सर्कम फ्रेंस टू तो ये एक तरीका भी है कि इनके फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं ठीक है तो ये आ गया आपका क्या है? टू पाई आर। ऐसे ही ये पाई आर स्क्वायर अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो ये तो रेडियस हुआ ये भी रेडियस ये भी रेडियस अगर सेमी ये आधा सेमी सर्कल है आधे की बात करेंगे पूरा टू पाई आर था तो आधा कितना हुआ पाईआर लेकिन साथ साथ ये क्लोज फिगर होना चाहिए ऐसे का आप एरिया या नहीं निकाल सकते ये ओपन फिगर है क्लोज होना चाहिए इधर से क्लोज हुआ है तो यानी क्या हो गया इधर से दिख रहा है ना आर और आर कितना हो गया कॉमन तो पाई प्लस टू इंटू आर हो जाएगा और ये तो एरिया उसका हाफ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर तो ये आपका टू डी के जितने फिगर हमारे काम आने वाले हैं उनका यहां पर मैं फॉर्मूला बता दिया हूं अब बात अगर थ्री डी के करेंगे यानी तीन डायमेंशन की बात बात करेंगे तो ये आपका घनाभ हो जाएगा जहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा क्यूब यानी कि घन की बात करेंगे तो यहां सभी साइड इक्वल हो जाता है ए, ए ए आ जाएगा यहां ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि इसको बोला जाता है लंब वृत्तीय लंब वृत्तीय बेलन ये ये कौन सी बला है सिर्फ बेलन या सिर्फ सिलेंडर से काम नहीं चलेगा ना नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा वो मैं बताता हूं देखो जरा अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो एक ये भी सिलेंडर ही है लेकिन आप इस तरह के सिलेंडर का कभी नहीं निकाल सकते हो वॉल्यूम या फिर उसका सरफेस एरिया साथ ही साथ एक ये भी है ये भी एक सिलेंडर ही है ऐसा लेकिन इसका भी एरिया नहीं निकाल सकते हो सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए ये जो बेस है वो सर्कुलर होना चाहिए और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का होना चाहिए मतलब सीधा होना चाहिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये अगर बेस है तो यहां से ये आपका होता है सिलेंडर ये हाइट होगा और ये बेस सर्कुलर है तो रेडियस हो जाएगा उसी लिए, राइट एंगल है और सर्कुलर बेस है तो सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाता है यानी लंब वृत्तीय वेलन सेम वैसे ही लंब वृत्तीय शंकु ये आपका शंकु यानी कोन हो जाएगा ये भी यहां पर 90 डिग्री का होता है और ये आर हो जाता है यहां पर एक केस और होता है ये एल यानी स्लैंट हाइट हो जाती है यहां पर जो कि हाइट और रेडियस की ये परपेंडिकुलर यहां पर रहता है अब एक और बात करेंगे यहां स्पेयर यानी गोले की बात करेंगे तो इसमें एक ही यूनिट आपकी नजर आती है जो होता है रेडियस सिमिलरली आप अगर सेमी हेमी स्पेयर देखो स्पेयर की बात करेंगे तो ये होता है गोला और ये होता है आपका अर्ध गोला अर्ध गोला हेमी स्पेयर आपका अर्ध गोला हो जाएगा जिसमें ये रेडियस ही होता है जो एक तरह से देखा जाए तो टेनिस बॉल को अगर कट करके दो पार्ट में अगर आप बना दिए हो तो एक जो पार्ट होता है वही आपका हेमी स्पेयर हो जाता है यहां ये आपको फिगर दिख रहा है अब ये थे आपके थ्री के कुछ फिगर जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं वन बाय वन इनके फॉर्मूला देखते हैं देखो यहां सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर एक घनाव यानी क्यूबॉर्ड की तो इसका बेस या टॉप जो है वो रेक्टेंगुलर होता है रेक्टेंगल के फॉर्मूला का यहां पर यूज होगा यानी आयत के फॉर्मूला का यूज होने वाला है देखो अगर मैं एल और सी की बात करूंगा तो ये टू एल बी क्या था पेरीमीटर था देखो ये पेरीमीटर ये पेरीमीटर और हमें क्या चाहिए यही पूरा सरफेस ये तो हमारा क्या होता है कि जो पेरीमीटर होता है मतलब बाउंड्री बाउंड्री वो बाउंड्री को हम लोग चारों तरफ से ऐसे दीवार खड़ा कर देंगे तो निकल जाएगा ऐसे साइड साइड से बस वही काम आपको करना है तो टू एल प्लस बी हो जाएगा हाइट यानी एच हो जाएगा जबकि वॉल्यूम की, की बात करेंगे तो सरफेस जो ये था उसका पूरा क्या करेंगे हम लोग एरिया निकालेंगे और उस एरिया पर ही ऐसे पूरा भरते भरते ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल इंटू बी इन आपका एच हो जाएगा यही बेस से रिलेटेड अब एक चीज है जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो देखा जाए तो लेंथ इन टू ब्रेथ एक ऊपर एक नीचे है लेंथ टू हाइट एक ऊपर नीचे और ब्रेथ इन टू हाइट एक साइड साइड तो टू इंटू हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये आपके छह सरफेस निकल जाएंगे बात हम घनाप की करेंगे तो देखो होता क्या है चारों साइड से फोर इंटू साइड इंटू साइड फोर साइड स्क्वायर छह साइड है तो सिक्स साइड स्क्वायर और ये सरफेस का एरिया था कितना आपका ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर में हमने हाइट एच से ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया एक क्यूब सिलेंडर की अगर बात करेंगे तो सर्कुलर है यानी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है टू आर तो टू पाई आर इन टू एच और एरिया क्या होता है पाई पाईआर स्क्वाच क्योंकि सर्कल से बना हुआ है आपका सिलेंडर अब ये आपका जरूर काम आता है क्योंकि देखो टू पाई इन टू एच तो हो गया आपका क्या सिर्फ साइड साइड से टॉप और बॉटम भी तो है वो पाईआर स्क्वायर है लेकिन दो है तो टू अब देखो टू पाईआर टू पाईआर कॉमन हो गया यहां से आर बचा यहां से एच तो यह आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घनाव का लंब वृत्तीय घनाव का घनाव बोल रहा हूं सॉरी लंब वृत्ती आपका यह क्या था बेलन बेलन अब यहां एक टर्म जरूर आता है आर है एच है ये एल एल को स्लैंट हाइट बोला जाता है यानी तिरक आपकी ऊंचाई यहां बोला जाता है तो एल जो होता है वो हो जाता है आपका क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट यही आपका हो जाता है यहां के केस में एक और आता है आपका क्या इसके केस में एक और चीज आता है आपका यहां डायगोनल जो होगा क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहां केस में डायगोनल हो जाता है क्या आपका साइड मतलब ए और रूट थ्री ठीक है तो ये आ जाएगा एल और ये टोटल हो जाएगा देखो पाई आर एल तो क्या था ये साइड साइड से और बेस भी तो है पाई आर तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर कॉमन ले लिए तो बचा क्या आर प्लस एल अब ये जो है वॉल्यूम ये एक्सपेरिमेंटल होता है और ये होता है एक सिलेंडर अगर एक सिलेंडर जिसकी लंबाई ऊंचाई और जिसका रेडियस अगर बेस का रेडियस अगर सेम है तो एक कोन से तीन बार आप पानी भरेंगे तो एक सिलेंडर भरेगा यह होता है तो यहां से देखा जाए तो यह क्या हो जाता है सिलेंडर का जो भी फॉर्मूला है पाईआर स्क्वायर एच उसी का क्या हो जाता है वन थर्ड यह आ जाएगा अब स्पेयर की बात करेंगे तो देखो स्पेयर में होता है क्या यह फोर पाईआर स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसमें तो क्या लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सब बराबर है तो फोर पाईआर स्क्वायर फोर पाईआर स्क्वायर हेमी स्क्वायर की बात करेंगे तो आधा हो जाता है तो ये हो जाएगा टू पाईआर स्क्वायर लेकिन टोटल में बात करेंगे तो ये भी तो पाई पाईआर स्क्वायर आएगा तो उसी लिए ये आ जाएगा आपका थ्री पाईआर स्क्वायर और यहां बात करेंगे तो ये फोर ओ पॉइंट थ्री पाईआर क्यूब होगा लेकिन ये आपका हो जाएगा टू ओ पॉइंट थ्री पाईआर क्यूब तो ये आपके पूरे टू डी और थ्री डी का फॉर्मूला था जो कि हमारे एग्जाम में आने वाला है सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने लेके आया हूं जिसको आप सॉल्व करेंगे जो है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दुज आर ट्वेंटी टू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम करना है जिसकी दो समांतर भुजाएं दी गई है जो है बाईस और सोलह सेंटीमीटर और दी डिस्टेंस बिटवीन देम इज अलेवन यानी कि अगर ये एक ट्रेपिजियम है तो ये 16 होगा तो ये 22 और यहां से यहां 11 है डायरेक्ट फॉर्मूला में आप पुट करेंगे एरिया हो जाता है क्या आपका बताया था हाफ इंटू दोनों का सम तो 16 प्लस ट्वेंटी और इंटू आपका हो गया 11। सॉल्व कर लो 1 बाई टू इंटू ये दोनों ऐड होके आपका 38 एट इंटू कैंसिल आउट हो जाएगा 19 तो हो जाएगा 19 इंटू लास्ट में नाइन किसके है तो दो में है यानी अब सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा टू जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर दो सौ नौ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें कुछ करना ही नहीं था सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करना था और आगे बढ़ जाना था उसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है Of is 72 cm. Find the area. अगर पेरीमीटर है तो साइड कितना होगा एक क्या है इक्विलेटर ट्रेंगल मतलब की दिया हुआ है कितना 72 टू थ्री से कट जाएगा 24 तो ए कितना आ गया 24 और एरिया जो होता है इसके केस में इसका फॉर्मूला है क्या रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर चौबीस इंटू चौबीस फोर से ये सिक्स टाइम ट्वेंटी फोर इन सिक्स आपका कितना हो जाता है तो वन फोर्टी फोर और ये रूट थ्री बस आ गया ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा एक सो चवालीस रूट तीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रैगल इज थर्टी सेंटीमीटर ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रैगल इज थर्टी सेंटीमीटर एंड एरिया इज थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर इफ लार्जेस्ट साइड बी थर्टीन सेंटीमीटर फाइंड स्मॉलेस्ट साइड अब यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर दो साइड है आपका ए और बी तीसरा साइड थर्टीन है टोटल आ गया आपका तीस जबकि दो साइड की ही बात करें तो ये सत्रह ये आ गया लेकिन एरिया दे रखा है थर्टी दिया हुआ है यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यह आपका थर्टी होगा यानी बेस इंटू हाइट सिक्सटी हो जाएगा तो एक काम करें यहां पर अगर थर्टीन है तो एक चीज ध्यान आ रहा है वो है ट्रिपलेट वाला केस तो ये सबसे बड़ा हो गया अगर थर्टीन तो ट्रिपलेट होता है यानी कि दो नंबर का स्क्वायर यानी यहां से क्या हो जाएगा फाइव स्क्वायर और ट्वेल्व स्क्वायर ठीक है फाइव स्क्वायर और ट्वेल्व स्क्वायर अगर करेंगे तो वो कितना आ जाता है थर्टीन के स्क्वायर जरा चेक कर ले क्या ये ऐसा हो रहा है यहां पर तो बिल्कुल फाइव प्लस ट्वेल्व हो गया आपका सेवनटीन और फाइव इंटू ट्वेल्व हो गया आपका सिक्सटी यानी ये ए और बी की वैल्यू आपकी आई फाइव और ट्वेल्व तो आपको और अधिक कैलकुलेशन और उसमें और वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो जाएंगे तो फर्स्ट जाएंगे काफी टाइम चला जाएगा वो टाइम बचाना है तो ऐसे ही करके जाना है तो ये दिखेगा फाइव ट्वेल्व और थर्टीन यानी सबसे छोटा साइड स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा आपका क्या फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो ट्रिपलेट का नॉलेज अगर है तो ये बड़ा आसान है तो ट्रिपलेट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा मैं ज्योमेट्री में भी बताया था यहां पर भी बता देता हूं कि ट्रिपलेट क्या होता है जैसे कि थ्री फोर और फाइव थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर होता है मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बाद आपका फाइव ट्वेल्व और थर्टीन फिर आता है सेवन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव इसके अलावा देखो और एक आता है आपका एट फिफ्टीन और सेवनटीन और फिर ये नाइन फोर्टी और फोर्टी वन तो ये तो ऑड 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 तो ये अंतर एक एक का है लेकिन एक ये है बड़ा इंपॉर्टेंट साथ ही साथ ही, इनका अगर डबल ट्रिपल कुछ भी कर दे डबल कर हैं सपोज तो सिक्स एट और टेन ये भी ट्रिपलेट होंगे इसका अगर ट्रिपल कर देते हैं तो फिफ्टीन थर्टी सिक्स और थर्टी नाइन ये भी ट्रिपलेट ही होंगे तो ये चीज आपको देख लेना अगर दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं फिर वहां से आइडिया लग जाता है कि ट्रिपलेट है कि नहीं है तो ये ट्रिपलेट के कुछ एग्जाम्पल्स थे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्ट एंगल आर इन द रेशियो थ्री टू टू एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तीन संबंध दो है इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर एक्सटेंडेड बाय मीटर ऑन आइदर साइड मतलब लंबाई में भी एक और चौड़ाई में भी एक यही बोला हुआ है फिर बोला है क्या देन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बिकम्स टेन एस टू सेवन तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दस संबंध सात हो जाता है वॉट इज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर देखो पहले की अगर मैं बात करूं तो लंबाई और चौड़ाई थ्री टू था बाद में वो हुआ है टेन और सेवन लेंथ और बेथ एक बात बताओ इंक्रीमेंट तो दोनों में सेम सेम लगा है ना रेशियो का क्वेश्चन हो गया ये तो तो देखो जरा अंतर एक का है यहां पर थ्री का तीन से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो वन से नीचे तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगा कितना ये नाइन और ये सिक्स ये टेन और सेवन क्या दिख रहा है ये दोनों के दोनों बराबर बढ़ा हुआ ये भी वन बढ़ा ये भी वन जबकि सही में वन मीटर ही है यानी ये दो सभी वैल्यू आपकी एग्जैक्ट है यानी पहले 9 meter और 6 meter था, तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो नाइन इंटू सिक्स यानी फिफ्टी फोर मीटर स्क्वायर हो जाएगा वो पहले वाला बाद वाला होता है तो सेवेंटी लेकिन हमसे पूछा है पहले वाला यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिफ्टी फोर मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब तो ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था देखने में तो मेंसुरेशन लग रहा है पर कौन से पूरा का पूरा रेशियो यानी अर्थमेटिक का है चलिए बढ़ें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे जहां दिया है दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर एंड ब्रेथ इज 70 मीटर एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एक पार्क है जिसमें 90 और 70 आपका ये है फिर बोला है इन द मिडिल ऑफ देम टू पार्ट्स ऑफ विथ फोर मीटर आर टू बी मेड पैरल टू लेंथ एंड ब्रेथ एक लंबाई के पैरल ठीक है यानी यहां से एक पाथ गई है और एक पाथ ये गई है इसके से ऐसा बोला हुआ है फिर बोला है फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ पार्क ये ये और ये पार्क पार्ट का आपको निकालना है देखो इससे अच्छा है सुंदर है मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा ये जो बीचो बीच गई है ना मेरा मन ये करता है कि मैं इसको साइड से भेज दूं यानी ये पाथ इधर से जाए और ये पाथ इधर से ये पाथ इधर से आए यानी ये पाथ ऐसे हो जाए साइड साइड से तो ये उतना ही होगा ना देखो ये क्योंकि यहां पे जंक्शन बन रहा है यहां भी जंक्शन बन रहा है तो देखा जाए तो ये वाला एरिया ही खाली छूटेगा तो इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को आपको ये बताऊंगा कि आप जब भी, भी मिडिल से ऐसे जा रहे हैं तो उसको साइड में रहने दो ऐसा तो ये आपका टोटल अगर 90 था 70 यहां से था ये 90, 4 कम हुआ है यानी 66 हुआ होगा यहां से यहां तक और ये आपका 86 हुआ है यहां से यहां तक। इसी का तो एरिया निकालना था तो 66 सिक्स इंटू एटी सिक्स सिक्स इंटू सिक्स सिक्स लास्ट में एक ही ऑप्शन में है तो फाइव सिक्स सेवन सिक्स आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल एकदम आसानी से हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जरूरी नहीं है कि आप बैठ के मल्टीप्लाई करते जाएं यूनिट डिजिट देखो और सॉल्व हो जाएगा यूनिट डिजिट हम लोग पढ़े हुए थे इकाई अंक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के अंदर जो कि हमारा थर्ड आई थिंक थर्ड लेक्चर था जो अर्थमेटिक वाला आपका जो भी सीरीज है पूरा हमारा उसमें प्ले में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब ये एक क्वेश्चन है जहां पर आपको दिख रहा है एक फिगर ये ठीक है तो ये जो छायांकित भाग है मतलब ये जो आपका कवर्ड वाला पार्ट है ये दिख रहा है इसी का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है अब ये एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा हमारा ये एरिया कब निकाला जा सकता है एक काम करें अगर मैं ये पूरा यहां से ये दिख रहा है ना ये सेमी सर्कुलर और ये एक सेमी सर्कुलर इन दोनों का एरिया मैं अगर निकाल लेता हूं ठीक निकालने के बाद मैं ये भी एरिया निकाल लेता हूं यानी ये पूरा एरिया निकल जाएगा ये देखो ये सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल और ये ट्रायंगल पूरा निकलेगा हम मैं क्या करूंगा एक बड़ा वाला सेमी सर्कल अगर माइनस कर देता हूं तो बचेगा बस सेडेड वाला ही तो सीधे वही काम करना है आपको क्या कि दोनों सेमी सर्कल का बात करेंगे तो हाफ इंटू आपका हाफ ठीक है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर भी है तो यहां पर पाई कॉमन ले लेता हूं ऐड करना है कि इसको ये थ्री स्क्वायर वो फोर स्क्वायर ये थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर और ये थ्री और फोर तो ये कितना हो जाएगा फाइव ये फाइव आ जाएगा तो उसमें से आपको माइनस करना है फाइव स्क्वायर और बाकी फिर बाद में ऐड करना है ये ट्रेंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस है थ्री और हाइट है फोर ये देखो जरा ये क्या हुआ थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर ही तो होता है तो ऐसे केस में ये तो हाफ पाई और यानी ट्वेंटी जीरो आ गया तो बचा आपका सिर्फ ये टू टाइम्स यानी थ्री इंटू टू सिक्स तो सीधे सीधे आ गया आपका सिक्स यूनिट यानी ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो एकदम आसानी से ये आ गया कि ये जो आपका ट्रेंगल का आपका एरिया होगा वही इस पार्ट का भी एरिया होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है और पैरेललोग्राम हैज पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज हैज एन एरिया ऑफ 180 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर यानी 9 और 12 क्या है हाइट है दो अलग अलग डायरेक्शन से हाइट है जैसे अगर ये पैरलोग्राम है तो एक हाइट ये हो जाएगी यहां से यहां तक दूसरी वाली जो है वो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगी तो इस तरह से ये हाइट है आपसे क्या पूछा फाइंड साइड्स ऑफ पैरलोग्राम वो तो पता है आपका कि बेस इंटू हाइट ही क्या होता है एरिया तो यानी बेस इंटू हाइट हाइट पहले कितनी है नाइन वो है वन एटी तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो आ गया ट्वेंटी एक बेस आ गया ट्वेंटी दूसरा बेस बेस टू इन टू आपका ट्वेल्व टू वन एटी टेल्टीन तो एक ट्वेंटी और एक फिफ्टीन यही दोनों साइड आ गए तो ट्वेंटी और फिफ्टीन यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नहीं तो ये फिर सोचते रह जाएंगे कि अरे ये कैसे निकलेगा तो ये तरीका इसका यही होता है क्या करेंगे हाइट से सीधे डिवाइड करेंगे और साइड मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रोमबस से रिलेटेड है जहां दिया हुआ इफ डायगनल्स ऑफ अ फोर आर 4.8 एंड 1.4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द दैरिमीटर ऑफ द रोमबस आपको यहां पर क्या करना है तो साइड निकालना है पहले तो साइड निकालने का आसान सा तरीका भी है हमारे पास अगर ये 24 पूरा साइड है फोर्टी uh, है ना ये तो यानी यहां से यहां तक ये कितना रहा होगा 2.4 और ये पूरा है 1.4 तो ये ऊपर वाला पार्ट जीरो पॉइंट कितना होगा सेवन है फिर तो आ ही गया ट्रिपलेट वापस से लगेगा सेवन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव यानी सेवन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव स्क्वायर के बराबर होगा यानी ये साइड आ गया टू पॉइंट फाइव पेरीमीटर की बात करेंगे फोर इंटू साइड यानी साइड है टू पॉइंट फाइव कितना आ गया टेन सेंटीमीटर यानी आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब तो ये ट्रिपलेट याद रखना क्योंकि में बहुत काम आता है ट्रिपलेट साथ ही साथ ज्योमेट्री में भी आता है जब आपको डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ इन इनपेजियम टू नॉन पैरल साइड आर इक्वल इन लेंथ नॉन साइड वाला ही इक्वल हो गया है यानी ये दोनों आपकी क्या हो गई है इक्वल हो गई है ठीक है चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा है कुछ ठीक है तो यहां से ये बोला हुआ है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है ठीक है फिर बोला है क्या फाइव यूनिट अच्छा चलो ये फाइव हो गया फाइव हो गया बराबर कितना हो गया फाइव फाइव भी आ गया आगे बढ़ते हैं दी पैरल साइड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट यानी यहां से यहां तक ये थ्री यूनिट ये देखो ये नाइनटी डिग्री हुआ तो अगर वो थ्री हुआ है, तो यहां से यह कितना होगा फोर कैसे ट्रिपलेट थ्री फोर और फाइव तो इसका मतलब कि इधर भी तो होगा ऐसा ही ये भी थ्री आएगा और ये आपका फोर हो जाएगा यहां से यहां तक ठीक है नेक्स्ट क्या बोला है

थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर हो जाएगा नाइन प्लस थर्टी सिक्स यानी कितना हो गया फोर्टी फाइव और दो बार है ना आपका तो डी की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो रूट में फोर्टी फाइव जाएगा यानी डी हो जाएगा थ्री रूट फाइव लेकिन हमें सम निकालना है तो टू इंटू डी होगा यानी टू इंटू थ्री रूट फाइव यानी सिक्स रूट फाइव सिक्स रूट फाइव ये आ गया आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब तो यहां थोड़ा सा ये घुमा दिया था क्वेश्चन में ट्रिपेजियम का यानी कि समलंब चतुर्भुज का एक क्वेश्चन था जो कि बड़ा ही शानदार तरीके से पूछा गया है बस आपको ट्रिपलेट की जरूरत थी बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते तो ये आपका मैंसुरेशन है और मैंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट अभी अभी फिनिश हुआ है सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में जहां पर हम लोग कुछ टू और बाकी आपके थ्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे देन हमारा पूरा ये मैथमेटिक्स का सेक्शन फिनिश होगा क्योंकि हमने यहाँ अल्जेब्रा ज्योमेट्री मैंसुरेशन इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री तो ये सारा चीज़ जो है फिनिश इसके अलावा हमारा पूरा अर्थमेटिक सेक्शन का एक सेक्शन अलग से बना हुआ है तो टोटल आपके 27 सेवन लेक्चर्स अराउंड है तो उसमें आप पूरे अर्थमेटिक कवर कर सकते हैं साथ ही साथ नंबर सिस्टम भी उसी में है जहां पर रिमाइंडर थ्योरम यूनिट डिजिट नंबर ऑफ़ जीरोज नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ये सब कुछ दिया हुआ है जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स दिया हुआ है तो वो सब तरह के नंबर्स के बारे में आप जानने के लिए अर्थमेटिक्स सेक्शन का जो है हमारा प्ले लिस्ट उस पर जाए और वहां पर कवर करें जो आपके हर एग्ज़ाम आप चाहे बैंकिंग की बात करें चाहे रेलवे की बात करें चाहे एस एस सी की बात करें इवन आप स्टेट के भी कुछ एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहां पर भी जहां मैथमेटिक्स आता है वो आएगा ही आएगा पूरा अर्थमेटिक कवर होगा साथ ही साथ जैसे एफ कैट जैसे भी एग्जाम में आपका वो पार्ट आता ही आता है अर्थमेटिक वाला तो उसको आप जरूर जाके कवर करो इवन जो टीचिंग की प्रिपरेशन करते हैं सी टेट या फिर आपका जैसे यूपी टेट या रीट जैसे राजस्थान का हो गया या एम पी पी टी जैसे इस तरह के एग्जाम्स के लिए भी आप वो अर्थमेटिक सेक्शन देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है वहां पर पूरा बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन भी है चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में फिर नए जो सर नए होस्ट के साथ थैंक यू सो मच